हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती स्वीट ऐप में कैसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐप का नाम लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो है आपको ऐप इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्ले का ऑप्शन मिलेगा, प्ले पर क्लिक करना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अलाउ कर लेना है, परमिशन देना है आपको। परमिशन देने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपको फेसबुक के साथ लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फेसबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करूँगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर OTP आएगा। यहाँ पर OTP डाल देना है। मेरा OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसी तरह से न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।